हाय गाइस, मैं हूं स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गर्मियों की वजह से जो हीट, ड्राइनेस और वातावरण में जो ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, इससे हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो है हमारे हेयर फॉलिकल्स और हमारे हेयर शाफ्ट्स को। ह्यूमिडिटी हमारी बालों की जड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप देखते हैं कि आपके बालों के अंदर अंदर पसीना भरा रहता है। मतलब जो जड़ें हैं वो ज़्यादा ड्राई नहीं होती, जिसकी वजह से जड़ ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बाल पहले से ज़्यादा टूटने लगते हैं। साथ ही साथ जो एक्सट्रीम हीट और ड्राइनेस होती है वो आपके बालों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रिज या आपके बालों को एक्सट्रीमली ड्राई बना देती है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाहर जाने के थोड़ी देर बाद बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत झाड़ू जैसे बाल दिखने लगते हैं, तो वो सब गर्मियों का ही साइड इफेक्ट है। तो मेरी आज की वीडियो में हम गर्मी में अपने बालों की देखभाल कैसे करें, इसके 7 टिप्स बताने वाली हूँ। साथ ही साथ समर सीजन में हेयर केयर के कुछ डूज एंड डोंट्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा टिप नंबर 1 है, बाल धो लेने के बाद आप अपने बालों को नेचुरली या एयर ड्राई होने दें। गर्मियों में आपके बाल और आपके जो बालों की जड़ें हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हीट की वजह से सफर कर रही होती हैं, तो अगर आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हैं या रोज स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बालों को और भी ज्यादा हीट डैमेज होता है। तो इसलिए जितना हो सके आप ऐसे हीट स्टाइलिंग टूल से अपने बालों को समर्स में बचा के रखें। कोई स्पेशल ओकेजन हो तब आपको अपने बालों को अच्छा दिखाना है तो आप इनका यूज बेशक कर सकते हैं, बट रेगुलर या एवरीडे बेसिस के लिए हीट स्टाइलिंग टूल से अपने बालों को दूर रखें। मेरी टिप नंबर 2 है, अपने बैग में या जब आप घर से बाहर जा रही हैं तो ये DIY हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करना। तो इसको मैंने बनाया है एलोवेरा जेल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स और RO या डिस्टिल्ड वाटर से। तो इसको इस तरीके की एक स्प्रे बॉटल में मैंने डाल के अच्छे से शेक कर लिया। ये मेरा DIY हेयर स्प्रे तैयार है और इसको मैं नहाने के बाद या अपने बालों को कॉम करने से पहले इस तरीके से अपने बालों में स्प्रे कर लूंगी, तो ये मेरे बालों को बनाएगा लेस फ्रिजी और ज्यादा मैनेजेबल। साथ ही साथ जब आप घर से बाहर निकल रही हो और आपको लगता है कि बाहर निकलने के कुछ देर बाद आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं तो इसको आप अपने पर्स में रखिए, और जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से बालों को नुकसान पहुंच रहा है इसको थोड़ा सा अपने बालों में स्प्रे करके इस तरीके से हल्के हाथ फेर लीजिए, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा मैनेजेबल रखेगा और बालों को ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाएगा। टिप नंबर 3 है, धूप में जाने से पहले जैसे आप अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगाते हैं, हेयर के लिए तो वैसे सनस्क्रीन बनते नहीं है, लेकिन क्यों ना जो स्किन के लिए सनस्क्रीन है उसकी छोटी सी ड्रॉप आप अपने पाम्स में लें और इसको अच्छे से अपने हाथ पे रब कर लें, और ये जो भी हल्का सा रेजिडुअल आपके हाथ में रह जाएगा इसको अपने पूरे बालों पे किसी भी हेयर सीरम या किसी हेयर जेल की तरह अप्लाई कर लें। ये आपके बालों में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा और आपके बालों को धूप के साइड इफेक्ट से बचा के रखेगा। गर्मियों में एक और मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं इसलिए डेली शैम्पू करें। जब आप डेली शैम्पू करते हैं तो क्या होता है, आपके बालों में जो ओरिजिनली ऑयल प्रेजेंट है या आपके जो जड़ों में ओरिजिनली ऑयल्स सिक्रीट होते हैं आपके बॉडी से वो खत्म होते रहते हैं और आपका जो स्कैल्प है वो और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगता है। इससे जो स्कैल्प है वो और ज्यादा ऑयली और जो आपके बालों की लेंथ या हेयर एंड्स है वो और ज्यादा ड्राई होते रहते हैं। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपके बालों में पसीने काफी आते हैं तो आप सिर्फ अपने बालों को पानी से, नॉर्मल पानी से डेली वॉश कीजिए और शैम्पू को वीक में 1 से 2 बार ही लिमिटेड रखिए, और शैम्पू के लिए भी आप एक माइल्ड या माइल्ड हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी ऐसे केमिकल वाले शैम्पू या जिसमें बहुत मात्रा में पैराबेंस और सल्फेट्स मौजूद होते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें। टिप नंबर 5 है, घर से बाहर निकलने से पहले हैट या स्कार्फ जैसी प्रोटेक्टिव एक्सेसरीज का यूज कीजिए। ये एक तो आपके फेस को साथ ही साथ आपके बालों को धूप से बचा के रखेगी, जो आपके बालों का शाइन है, जो उसमें लस्टर है, जो उसका एक टेक्सचर है उसको खराब नहीं होने देगी, और सन की वजह से और सन की हीट की वजह से जो बालों में एक एक्सेसिव फ्रिजीनेस आ जाती है उसको भी ये काफी हद तक रिड्यूस कर देगी। तो टिप नंबर 6 मेरा पर्सनल फेवरेट है, शैम्पू करने से पहले अपने बालों को एक हॉट ऑयल मसाज देना ना भूलें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये कोकोनट ऑयल और कई बार कोकोनट ऑयल में 2 से 3 ड्रॉप्स कैस्टर ऑयल की मिला के शैम्पू से पहले या शैम्पू से एक रात पहले इसको अपने पूरे स्कैल्प और अपने बालों की लेंथ पे अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लेती हूँ। जब आप शैम्पूइंग से पहले ऐसा हॉट ऑयल मसाज करते हैं तो वो आपके बालों की नमी को बरकरार रखता है और बालों में जो फ्रिजीनेस है और ड्राइनेस है उसको नहीं आने देता,
और हाँ, शैम्पू के बाद तुरंत कंघी ना करें, करीब हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बाद कंघी करें। और कंघी के लिए इस्तेमाल करें वुडन कोम का। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि कैसे प्लास्टिक से जब मैंने वुडन कोम में स्विच किया तो हेयर फॉल रेट में कितनी गिरावट आई। तो वुडन कोम जो होती है एंटी स्टैटिक होती है, तो ये आपके बालों की जो फ्रिज है, जो बालों का एक वियर्ड रफ टेक्सचर बन जाता है, उसको खत्म कर देता है। और मेरा पॉइंट नंबर 7 एक होम रेमेडी है। अगर आपके स्कैल्प बहुत इचिनेस या घमौरिया हो गई है तो आप क्यूकम्बर जूस की कुछ ड्रॉप्स लेके अपने हथेली पे, अपने स्कैल्प पे और बालों की लेंथ पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। क्योंकि क्यूकम्बर जूस में बहुत मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है, तो ये आपके स्कैल्प पे एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज करता है जो कि फ्री रेडिकल से हुए हुए डैमेज को खत्म करने में मदद करता है। ये स्कैल्प की घमौरियां और इसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टीज है आपके स्कैल्प के ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस कर देती है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स गर्मियों में अपने बालों की देखभाल करने के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सनी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्क्रीन पे आ रहे आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।